इसके बाद जो नाभि की समस्या, नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाती है, अगर ऊपर की तरफ होगी तो कब्ज हो जाएगी, नीचे गिरेगी तो लूज मोशन लग जाएंगे, लेफ्ट साइड को होगी तो आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगी। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, वेलकम टू माय चैनल परमिट्स वॉइस। तो दोस्तों आज हमारे पास कुछ सवाल पहुंचे हैं और कुछ ऐसे कमेंट हैं जिनकी नाभि ठीक हुई है। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो है पूजा खट्टर का, थैंक्स वीर जी, आपने जो नाभि ठीक करने का नुस्खा बताया है उसने काम किया है। मैं अब 2 टाइम खाना खाने लगी हूँ, 4-5 साल से इस प्रॉब्लम को झेल रही थी। तो पूजा खट्टर जी देखो, आपने खाने पीने का ध्यान रखना है। ये वाला नुस्खा हमारे पेट में जाकर क्या करता है कि एक तो गैस को ख़त्म करता है, एक जो तेजाब बनता है, एसिड बनता है, उसको कम करता है, क्योंकि इसमें हम दही का प्रयोग करते हैं तो दही हमारे सारी अंदरली नसों को ठंडा करती है और पेट में से जो गर्मी है वो बाहर निकालती है। इसके साथ जो हमने कतीरा को शक्कर का पानी बताया है वो भी यही काम करते हैं और हमारी जो पेट की समस्याएं हैं उनको ठीक करते हैं। तो देखो दोस्तों, इनको 5 साल की समस्या थी नाभि की, इन्होंने हमारा दही वाला नुस्खा लिया और ये आज बिल्कुल ठीक है। भाई इसके बाद का जो कमेंट है वो है अभिजीत भी, पता कैसे चलेगा कि नाभि गिर गई है या कौड़ी गिर गई है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है जब नाभि गिरती है या कौड़ी की समस्या होती है। सबसे पहले मैं आपको कौड़ी के बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर कौड़ी की राइट पोजिशन होती है, ये हमारी नाभि है, ये कौड़ी की राइट पोजिशन होती है और गर्मी पड़ने की वजह से, गैस बढ़ने की वजह से, एसिड बढ़ने की वजह से जहाँ पर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आने से आपको उल्टियाँ आएंगी, घबराहट होगी, आपका खाना पीना यहीं पर रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कौड़ी गिरने का एक ये लक्षण होता है। इसके बाद जो नाभि की समस्या, नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाती है, अगर ऊपर की तरफ होगी तो कब्ज हो जाएगी, नीचे गिरेगी तो लूज मोशन लग जाएंगे, लेफ्ट साइड को होगी तो आपको गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। इसके साथ ही दोस्तों, पहले पहले दिनों में क्या होता है कि नाभि जब गिरती है नीचे की तरफ, लूज मोशन तो लगते ही, साथ में हमारी जो टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पेन करती हैं। खासकर जब हम बैठते हैं या लेटते हैं तो हमारी टांगे जो है बहुत ज़्यादा पेन करती हैं, आपको गैस बनेगी, एसिड बनेगा, तेजाब बनेगा। इसलिए दोस्तों आपने क्या करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी ऐसी चीज़ें खानी है जिससे हमारे पेट में गैस ना बने। थोड़ा सा अपने शरीर का वर्कआउट करना है, हलचल होनी चाहिए शरीर में जिससे हमारे पेट में गैस ना बने। अगर गैस बनेगी तो 70% आपका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा इन्हीं बातों को लेकर। दोस्तों जो अगला कमेंट है वो है रोकदा डुल, हेलो सर, मुझे भी आपके नुस्खे से फ़ायदा हुआ है, मेरा बहुत बुरा हाल था, पिछले 3 साल से बहुत परेशान था, मेरे ना दिल में घबराहट होने लग गई थी और पिछले 1 साल से बहुत बुरा हाल था, पूछो मत, मेरी सारी एक्सरसाइज छूट गई थी, मेरा 6 किलो वजन कम हो गया था। सॉरी मैं इतनी बातें नहीं लिख सकता, मैं इतना बता देता हूँ कि घबराहट और टांगों में दर्द बहुत होता था, वो ख़त्म हो गया है। मैं 5 दिनों से आपका नुस्खा ले रहा हूँ, मैं बैठा रोता रहता था, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं, थैंक्स भाई जी। तो देखो दोस्तों, इतना चमत्कारी है ये दही वाला नुस्खा, जैसे ही आप लेना शुरू करोगे ये अपना काम करना शुरू कर देगा और कई भाई बहनों को नहीं फर्क पड़ता। दही वाले नुस्खे में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उनके लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ वो दवाइयाँ, देसी नुस्खे या एक्सरसाइज जरूर कर लेते हैं लेकिन अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करते, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं वो अपने लाइफस्टाइल को बीमारी के साथ चेंज कर लेते हैं, और जो लोग बीमारी के साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, चाहे थोड़ी देर बाद ख़त्म हो लेकिन ख़त्म हो जाती है। तो हमारे जितने भाई बहन ठीक हुए हैं दही वाले नुस्खे से, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज किया है, उन्होंने देखा है कि हमारे शरीर को कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, जो उनको नहीं पचती वो नहीं खाते, और थोड़े ही दिनों के बाद जो हमारी बीमारी होती है, समस्या होती है, वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई भी समस्या है पेट से रिलेटेड, हमने दही वाला नुस्खा और गैस के लिए सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, सूंठ का पानी बताया हुआ है, आप वो ले सकते हो।